हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है तो इधर मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। और करेले थे, थोड़े काट के रख दिए, तीन थे, तीन में एक ख़राब निकल गया, दो थे तो मैंने उसमें आलू काटा है। और ये देखिए, पहले तेल दिया, उसमें जीरा, और करेले को अच्छे से भूनूंगी। और भूनने के बाद ये देखिए, आलू जिसमें चलनी में करेले थे उसी में धो के आलू काट लिए, तो आलू भी डाल दिए। आलू काफ़ी देर मैंने भून लिए हैं, तो उसके बाद मसाले डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, और सौंफ और सरसों जो पिसी रखी है उसे भी डालूंगी इसमें। और प्याज वगैरह सब्जी में नहीं डाल रही हूँ मैं, तो मॉर्निंग की सब्जी में तो वैसे भी कम डालती हूँ, पर करेले में डाल देती हूँ। आज इसमें नहीं डाली है क्योंकि कड़े से स्थापना कर रखी है, इसलिए नहीं डाल रही हूँ। तो ये देखिए, वो करके मैं आ गई हूँ सब्जी वगैरह तड़का लगा के, इधर बिस्तर वगैरह सेट करने। और क्योंकि मॉर्निंग में गणेश स्थापना है तो जल्दी से सारा काम करना होता है और पूजा करनी होती है सुबह, तो वही है, मैंने सोचा कि चलिए जब तक बिस्तर वगैरह अपना सेट कर लेती हूँ। और एक किसी ने मेरे को, मतलब उस दिन का वीडियो आया, मैंने उस दिन बोला था कि हस्बैंड पूजा करते हैं तो नहीं कर पाते, मैं करती हूँ तो ठीक से कर देती हूँ, जब मैं नहीं करती हूँ तो उसका मतलब कि क्या मतलब है, किसी ने पूछा था। तो देखिए, मतलब ये है उसका कि जब मैं अगर पूजा नहीं करती हूँ, मतलब पूजा का ऐसे पीरियड वगैरह आ जाता है तो पूजा हम लोग नहीं कर दें, तो हस्बैंड पूजा करते हैं, तो उनको मतलब स्थापना की कि क्या रखना है, क्या करना, वो इतना पता नहीं रहता उनको। पूजा वैसे डेली की करते हैं तो स्थापना का पता नहीं रहता। तो ये मतलब था कि जैसे गणेश स्थापना है या नवरात्र वगैरह है, तो उसमें पहले दिन स्थापना करनी होती है हर चीज़ की, कलश वगैरह की, तो उनको इसका पता इतना नहीं रहता कि क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना। देखिए, ड्यूटी वाला आदमी फैमिली जब साथ में रखता है तो पूजा वगैरह का पता रहता है, नहीं तो ड्यूटी का कहाँ, ड्यूटी में पूजा वगैरह का पता रहता है। सुबह 6 बजे निकल जाता है और 12 बजे आता है, बॉर्डर की जब ड्यूटी होती है तो पूजा का कहाँ टाइम मिलता है, कहाँ खाने का भी टाइम, बहुत मुश्किल से। तो देखिए, इधर मैं बैठ गई थी, इसको मूली वगैरह लेके आए थे सुबह सुबह मॉर्निंग में, पालक और मूली मंगाया था मैंने, आधा अच्छा नहीं निकला उसमें, आधा आधा किलो मंगाया था, एक पाव ढंग से निकली होंगी मूली के पत्ते, और वो मैंने सोचा इसका साग बनाऊंगी, तो अभी मैं पालक मूली को काट कर रख दिया। तो देखिए, इतना सारा कचरा निकला है, और वीडियो मैंने बहुत फास्ट कर दिया क्योंकि वीडियो हो गया था काफ़ी बड़ा। तो ये चले गए हैं ड्यूटी, और उसके बाद में मैं लग गई हूँ दूध वगैरह करने, किचन वगैरह। और आज कई दिन हो गए पूजा में इसीलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक का मतलब कि पीरियड वगैरह आ रखा है, तो इसलिए पूजा नहीं कर रही हूँ। और तो ये चले गए थे तो मैं लग गई थी अपने काम से, और आज मेरे को बाथरूम वगैरह ये वाला डेली धोते हैं तो वो भी साफ़ करना है, तो उसमें लगना है। तो पहले मैंने सोचा कि किचन को निपटा लेती हूँ, उसके बाद में मैं लगूँगी। तो किचन में भी ये जो फिल्टर टंग रहा है इसका, ये गंदा हो गया था तो इस पर चूना मारा है और साफ़ किया है इसको भी, और अच्छे से इधर धुलाई कर दी है। तो ये देखिए, चकला बेलन का जो स्टैंड है उस पर भी मतलब धूल धूल सी, ऐसी चिकनी चिकनी सी जम गई है, क्योंकि सब्जी वगैरह किचन बनती है तो चिकनी चिकनी सी हो गई है, तो मैंने सोचा इसको भी धो देती हूँ। और अब की बार मैं सोच रही हूँ कि करवा चौथ से पहले ही पहले घर की साफ़ सफाई कर लूँगी, तो ये देखिए, इसको मैंने धो दिया अच्छे से। ये तो नहीं है कि दीपावली की सफाई हो रही है, अभी दीपावली की तो लगूंगी तब होगी। तो देखिए, वीडियो भी देखने में इतना तेज़ लग रहा है, इतना फास्ट कर दिया मैंने कि वीडियो हो गया था काफ़ी लंबा, मतलब 23-24 मिनट का हो गया था, तो इसलिए मैंने फास्ट करना पड़ा मेरे को। और क्योंकि 8-9 मिनट का ये लोग नहीं देखते हैं, तो 23-24 मिनट का कौन देखेगा। तो इधर देखिए, मैंने करके, और ये गैस वगैरह भी साफ़ कर दी, इसको भी अच्छे से पोंछ दूँगी, उसके बाद बर्तन वगैरह पड़े हैं उनको साफ़ करूँगी।
तो मैं देखिए, मैंने थोड़ा सा कमरा चिकना सा हो रहा था तो गैस अच्छे से नहीं आ रही थी पहुँचने में। मैंने उसको पानी से धो दिया है और पहले कर लेती हूँ बर्तनों को साफ, उसके बाद मैं लगूँगी। काफ़ी सारे मॉर्निंग में भी बर्तन हो जाते हैं और मॉर्निंग में ही सबसे ज़्यादा काम होता है, इतना दोपहर में नहीं होता जितना मॉर्निंग में होता है। तो और मुझे काफ़ी लेट भी हो जाती हूँ करते 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 करते, और मैं सोचती हूँ फिर कि ना क्या करूँ घर में पड़े पड़े, इसको काम को ही अच्छे से कर लेती हूँ, वही काम जल्दी करके, मतलब 1 घंटा में करके, और फिर पड़े रहो पूरे दिन, टाइम पास भी नहीं होता। वही काम धीरे धीरे करो, साफ सुथरे से करो तो बहुत अच्छे से होता है और अच्छा भी लगता है। तो इधर बर्तन वगैरह हो गए, सिंक वगैरह भी हो गई है, पोंछने को रह गई है। तो बालकनी भी मैं तुलसी वगैरह रखी इसलिए धो देती हूँ, सामने सामने पोंछा मार के ले आई हूँ। किचन में पोंछा वगैरह भी सब कुछ कर दिया, हॉल वगैरह में भी पोंछा करती हुई तब रूम में जाऊँगी उसमें। और ये देखिए किचन में ना अंधेरा अंधेरा हो रखा था, तो इधर किचन पूरी कर क्लीन में आ गई हूँ और हॉल में लगाती हुई ला रही हूँ। हॉल में इधर को तो लग गया है क्योंकि पूजा वगैरह की थी, तो पूजा की साइड को पूरा ये मेज वगैरह हटा के लग गया है, इतना इतना रह गया है। और इसको मैं कर दूँगी साफ अच्छे से। तो देखिए आ गई हूँ मैं बाथरूम में, और इसमें डालूँगी मैं हार्पिक वाश बेसन में, क्योंकि ये वाश बेसन भी चिकनी सी हो जाती है, इनको 8 दिन 10 दिन हो जाते हैं, बस ये तो पानी मारा और छोड़ देते हैं, धो देते हैं। तो मैंने सोचा आज इसको मैं अच्छे से साफ करूँगी। वो वाली तो ये है ना, कपड़े वगैरह धुलते हैं तो ब्रश वगैरह वैसे भी मारते रहते हैं, और इसमें नहीं, मतलब इसको बहुत कम यूज करते हैं तो इसलिए इसको नहीं होता है। तो देखिए टंकियों पे डाल के हार्पिक में थोड़ा थोड़ा मारूंगी, क्योंकि पानी के छींटे लगते हैं ना तो इस पर भी दाग वगैरह से पड़ जाते हैं। और जाली वगैरह निकाल के पूरी अच्छे से साफ करूंगी। सच में जी तो इतना मतलब हो जाता है, ऐसे यूज नहीं करते हैं फिर भी जाली वगैरह निकाल के हाथ से करो ना तो जी ऊपर को आता है, पर क्या करें, करनी तो पड़ेगी पड़ेगी। और हो चुकी है तो लगभग साफ अच्छे से। देखिए ब्रश वगैरह मार के जितने ऊपर पानी वगैरह चलता है उतनी पूरी पे साफ करूंगी मैं। वही है ना कि हमारे दिमाग में सनक बैठ जाती है कि अच्छे से नहीं होगी हुई होगी साफ, तो नहीं होती है। देखिए मैंने अच्छे से पूरी क्लीन कर दी है एकदम, और साथ में मैंने पानी का भी वो ले रखा है, मारती जा रही हूँ और करती जा रही हूँ। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचा था, जहाँ तक बस चला वहाँ तक अच्छे से साफ कर दिया है मैंने। और तो देखिए साफ करने के बाद, पूरी अच्छे से साफ होने के बाद इसको अच्छे से मैं धो देती हूँ। और अभी कपड़े ढेर सारे पड़े हैं और नहाने को बचा है, तो चलिए फिर वीडियो का इधर एंड कर लेते हैं। और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक करना, लाइक बहुत कम आते हैं। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में।